अब देखो जब हम लोग किसकी बात करते हैं टिश्यूज की बात करते हैं तो हम लोग टिश्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग टिश्यूज को डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स किस कैसे डिफाइन करते हैं टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक कितनी कैरेक्टरिस्टिक दो पहला है सिमिलर इन स्ट्रक्चर पहला क्या है सिमिलर इन स्ट्रक्चर और दूसरा है दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म अ

कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को ये सब पढ़ना है मसल टिश्यू में तीन तरह की मसल स्मूद और कार्डियक और नर्वस टिश्यू बोलो ये क्या है तुम्हारी इन शॉर्ट चैप्टर की समरी तीन चीजों पे हमको शॉर्ट नोट पढ़नेटा और कॉक्स क्लियर है ठीक है अब जब हम लोग meristematic की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं meristematic के जो cells रहते हैं ये क्या करते हैं continuously divide होते हैं इनकी property रहती है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे ठीक है ना यानी कि इस टिश्यू के सेल किस चीज में हेल्प करेंगे ग्रोथ ऑफ द प्लांट में हेल्प करेंगे किस चीज में हेल्प करेंगे ग्रोथ ऑफ द प्लांट ये प्लांट को ग्रो करने में क्या करेंगे हेल्प करेंगे ठीक है ना अब इस क्योंकि ये क्या करते हैं Continuously divide होते 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 हैं 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 क्योंकि ये क्या क्या क्या-क्या तो 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 इनके इनके ठीक है हमने बोला इनके characteristics क्या -क्या होंगे तो पहली बार, dense cytoplasm. Cytoplasm कैसा होगा इनका गाढ़ा होगा सेल वॉल कैसी होगी थिन होगी क्योंकि हमने बोला है सेल क्या होंगे Continuously divide होंगे तो ये कैसे होंगे हाईली एक्टिव और क्योंकि क्योंकि डिविजन में न्यूक्लियस का रोल क्या रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो इनका न्यूक्लियस क्या होता है प्रोमिनेंट होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब अलग से ही दिखता है ठीक है ना अब अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे पास तीन तरह के मेरिस्टमैटिक टिश होते कितने तरह के तीन यहाँ फिगर में ध्यान से देखोगे तो एक तुमको ये पिंक कलर का दिख रहा है शूट टिप और रूट टिप इसे हम लोग कहेंगे अपाइकल मेरिस्टेम फिर ये तुम्हें पर्पल कलर का दिख रहा होगा सर्कल में स्टेम में इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम ठीक है ना और एक ये क्या दिख रहा है लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे इंटर कैलरी क्या कहेंगे इंटर कैलरी सबसे पहले बात करते हैं रूट टिप टिप और पे प्रेजेंट वर्ड निकल कर आता अपेक्स है, एपेक्स है. का मतलब क्या होता है टिप तो जब हम लोग अपाइकल मेरिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ये रूट टिप और सूट टिप पे प्रेजेंट होगा कहाँ प्रेजेंट होगा रूट टिप पे और शूट टिप पे क्योंकि ये रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या होगा इट द लेंथ ऑफ़ द प्लांट इसका फंक्शन क्या होगा इट द प्लांट सेकंड कौन सा होता है बेटा लैटरल लैटरल कहां प्रेजेंट था रूट्स और स्टेम में ये जो हमने पर्पल कलर का देखा था ये प्लांट की गर्थ बढ़ाता है गर्थ मतलब जो स्टेम का मोटापा होता है ना तो प्लांट की क्या बढ़ाता बढ़ाता है गर्थ है और तीसरा होता है, ये और इंटर है। होता है ये वाला एक नोड ये वाला दूसरा नोड दो नोड के बीच की जगह ये एक नोड है ये भी एक नोड है दो नोड के बीच की जगह को हम लोग क्या कहेंगे इंटरनोड कहेंगे तो इंटरनोड पे कौन प्रेजेंट रहता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है इसका काम क्या होता है ये ब्रांचिंग को प्रमोट करेगा किसको प्रमोट करेगा ब्रांचिंग को तो हम लोगों ने इंटर कैलरी के बारे में क्या लिखा इट इज प्रेजेंट बिटवीन नोड्स एंड एंड इट ब्रांचिंग टिश्यूज में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये ध्यान रखो क्या कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है क्योंकि तो कभी कभी सिर्फ इतना आता है रूट टिप पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है या ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है तो तुम्हें आंसर पता होना चाहिए ठीक है

स्पेसिफिक फंक्शन होगा उनके पास एक परमानेंट शेप होगा परमानेंट साइज होगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा ऐसे सेल्स या ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या कहेंगे परमानेंट टिश्यू सो व्हेन द सेल्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड एक्वायर अ परमानेंट शेप परमानेंट साइज एंड फंक्शन दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू एंड दिस प्रोसेस एंड दिस

कॉम्प्लेक्स तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू अपने आप में कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के पैरिन कायमा कोलमा और पेरिन कायमा कोल कायमा और स्क्लेरिन कायमा सबसे पहले नेचर की बात करें तो पेरिन कायमा और कोलिन कायमा क्या होते हैं लिविंग होते हैं स्कलैरिन कायमा क्या होते हैं डेड अगर ऑर्डर याद है तो तुम्हें इसको कैसे रटना है लिविंग लिविंग डेड शेप की बात करें तो पेरिन काय ओवल हो सकता है पॉलीगोनल हो सकता है रेक्टेंगुलर हो सकता है कोलिन कामा सर्क्यूलर ही होता है और स्लेरिन कायमा इलांगेटेड होता है यानी कि लंबा होता है ये ये दिख रहा है ये ऐसे लंबे शेप का होता है ठीक है ना पेरिन कायमा में लिखा है इंटरसेलर स्पेस में लूजली पैक्ट मतलब सेल के बीच में स्पेसिस होती है है ना कोलिन कायमा में स्पेसिस कम रहती है और स्लेरिन कायमा स्पेसिस बहुत ज्यादा कम होती है कोलिन कायमा और कायमा में स्पेसिस कम क्यों होती है की जो होती वो क्या होती है थिन, लेकिन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोस तो अगर आता है कि की सेल्वॉल किसकी बनी होती है या किस वजह से थिक होती है तो कोलिन काय की सेल्वॉल इसलिए थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलोज और स्कलैर की ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिगनिन Lignin एक शुगर होता है इसलिए बहुत बार बोला जाता है दैट्स हैज एंड वॉल ये रीजन भी आ सकता है तो रीजन दे देंगे कि और वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कहां, कहां मिलेगा पेरन तो हमने कहा लीव्स में मिलेगा अदर पार्ट्स में मिलेगा ये स्टेम में मिलता है और ब्रांचेस में मिलेगा और स्लर सीड कोर्ट पे मिलेगा सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है लीफ की मिलेगा ये 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 पत्ती पत्ती दिख रही देखो के बीच में हार्ड हार्ड चीज होती है ना जो पत्ती को दो इक्वल हार्ट में डिवाइड करती है जिसको हम लोग मिड रिप कहते हैं तो मिड रिप में से ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती है तो इन्हें हम लोग कहते हैं लीफ की वेन्स तो ये लीफ की वेन्स में मिलता है और हस्क ऑफ कोकोनट में भी मिलता है अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली अब हम लोग तीनों के फंक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहला फंक्शन हमको किसको किसका देखना है पेरन कायमा किसका देखना है parenchyma. Parenchyma का प्राइमरी फंक्शन होता है टू टू स्टोर स्टोर फूड फूड इसके अलावा वो प्लांट को क्या करेगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा पेरिन कामा दो स्पेशल तरीके में का भी होता है देर आर टू स्पेशल टाइप्स ऑफ पेरिन कामा एक जब पेरिन कायमा में क्लोरोफिल आ जाएगा एक बार जब पेरिन कायमा में कौन आ जाएगा क्लोरोफिल

फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा ठीक है अब अगर पेरिन के सेल्स में ही एयर कैविटीज आ जाए अगर पेरिन के सेल्स में क्या आ जाए एयर कैविटीज आ जाए तो वो बायोइंसी प्रोवाइड करता है मतलब एबिलिटी टू फ्लोट ऐसा कहा होगा एक्वेटिक प्लांट्स में होगा ऐसा कहा होगा एक्वेटिक प्लांट में होगा तो हमने कहा वेन द सेल्स ऑफ पेरिन कहां पर इन एक्वेटिक प्लांट्स हैव एयर कैविटीज हैव

फिर आते हैं फंक्शन कामा है, का क्या होता है प्राइमरी फंक्शन होता है ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इट सपोर्ट्स इजी बेंडिंग ऑफ द प्लांट व्हेन एयर मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड अगर हमारा स्टेम बहुत हार्ड और स्टिफ होगा तो हवा बहुत तेज चलेगी तो टूट के गिर जाएगा लेकिन अगर उसमें कोलिन कायमा हो जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं जब हवा बहुत तेज चलती है या पानी बहुत स्पीड से आता है तो बेंड हो जाते कुछ पीरियड बाद ये क्या होते हैं ठीक भी हो जाते हैं ये कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है इनको स्कलैरन कायमा जहां प्रेजेंट रहेगा जिस भी जगह पे प्रेजेंट रहेगा वो प्लांट को क्या बनाएगा उस पार्ट को हार्ड और स्टिफ बनाएगा और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्शन क्या होता है प्रोटेक्शन ये प्लांट को क्या कर सकता करता है प्रोटेक्ट करता है बोलो कोई परेशानी अब देखो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो और मतलब तो का का भी बना हुआ है, है तो सिंपल जो रहते हैं उसमें सारे सेल्स एक टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या होगा दो तीन तरह के सेल्स होंगे ठीक है तो जब हम जाइलम की बात करते हैं तो हमने कहा जाइलम कितने टाइप्स ऑफ सेल्स से बना है तो जायम कितने टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है, है ट्रैकिज से वेसल से पेरेंकाइमा और फाइबर्स। फ्लोएम किससे बना हुआ है सीव ट्यूब्स सीव ट्यूब्स के साथ अब तुम ध्यान रखोगे सीव सेल्स सीव ट्यूब्स के साथ तुम लोग एक और कॉम्पोनेंट याद करोगे क्या सीव सेल्स ठीक है ना फिर फिर कंपेनियन सेल्स कंपेनियन क्यों क्योंकि ये सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं फिर फ्लोएमकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम पेरिनका और फ्लोएम फाइबर्स अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर ज़ाइलम में तीन, है और एक एल है। और पर तीन एल है और पर एक डी है एल मतलब living, मतलब तो के सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं लिविंग और फ्लोएम के सारे सेल्स कैसे होते हैं लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स विच इज डेड आया समझ में बोलो कोई परेशानी इसलिए हम लोगों ने जाइलम में क्या लिखा ऑल पार्ट आर डेड एक्सेप्ट जाइलम इज़ लिविंग और फ्लोएम में क्या लिखा ऑल पार्ट आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स इज़ डेड अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाइलम और फ्लोएम के डायग्राम्स देख कर जाना बनाओ ना बनाओ वो मेरा एजेंडा नहीं है पर देखकर जरूर जाना क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं कि तुमको फ्लोएम का डायग्राम दे देंगे बोलेंगे बताओ फ्लोएम फ्लोएम में सीव कौन 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 से कौन से सेल्स फाइबर सा से, है या फिर बोलेंगे क्या कि ये जो लेबल करी हुई है चीज ए बी सी और डी इसमें से ए क्या है इसका फंक्शन क्या है बी क्या है इसका फंक्शन क्या है तो तुम ड्रॉ करने आए ना आए लेकिन आइडेंटिफिकेशन अच्छे लेवल पे तुम्हें आना चाहिए ठीक है ना जो जाइलम है वो किस चीज में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्लोएम किस चीज में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अगर वाटर जा रहा है तो रूट टू अपर पार्ट द्लांट में जाएगा अगर खाना जा रहा है तो वो लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगा इसलिए क्योंकि रूट्स टू अपर पार्ट से जाएगा इसलिए इसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं यूनिडायरेक्शनल कहते हैं ठीक है और इधर पे लीव से ऊपर भी जाएगा लीव से नीचे पे ही आएगा इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल ठीक जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर जाइलम और फ्लोएम पेरन का फंक्शन पूछते तो नॉर्मली पेरन का फंक्शन क्या फंक्शन क्या होता है स्टोरेज ऑफ फूड तो इनका भी फंक्शन क्या होगा स्टोरेज ऑफ फूड अगर वो बोलते हैं ट्रैकिज और वेसल्स का फंक्शन क्या है तो हम लोग बोलेंगे ये पानी को ऊपर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को ऊपर कैरी करने में क्या करते हैं हेल्प करते सिमिलरली सीव और कंपेनियन सेल्स का फंक्शन सिमिलरलीमसेन तुम क्या बोलोगे कि ये ये जो रहते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं वाया सेमी ठीक है इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो क्या है एपिडर्मिस क्या है एपिडर्मिस एपिडर्मिस किसी भी चीज की क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है क्या होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है ठीक है ना प्रोटेक्टिव इन फंक्शन रहती है अगर आउटर है तो वो बेसिकली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी प्राइमरीली प्रोटेक्ट करने का प्राइमरीली प्रोटेक्ट करने का और ये कंटिन्यूअस लेयर होती है जैसे हम लोग बोलते हैं कि लेयर कंटिन्यूस है इस बात का मतलब क्या होता है कि उसमें इंटर सेल्युलर स्पेसेस नहीं होगी सेल्स कैसे होते हैं फैट होते हैं इसकी आउटर आउटर और साइड वॉल्स जो रहती है वो इनर वॉल से थिक होती है क्या होती है थिक होती है लेकिन एपिडर्मिस सब जगहों का एक जैसा नहीं होता ड्राई हैबिटेट ड्राई हैबिटेट मतलब क्या होता है जहां सूखा ज्यादा पड़ता है जैसे कि डेजर्ट वाली जगह पे वहां पे एपिडर्मिस कैसा होता है थिक होता है क्यों थिक होता है क्योंकि वाटर प्लांट्स को क्या करता है वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करता है कि प्लांट के अंदर का पानी बाहर इजिली लूज ना हो डेजर्ट प्लांट्स में स्पेसिफिकली डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस में एक थिक लेयर लेयर होती 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 है होती है होती है क्या एक थिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्यूटिन क्या होती है क्यूटिन जो वैक्सी होती होती है होती है वैक्स जैसी और वो प्लांट को क्या करती है वाटरप्रूफ बना देती है ताकि प्लांट के अंदर का पानी किसी भी तरीके से लॉस ना हो अगर हम लोग एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करें एरियल मतलब जो हवा में होती है हवा में होना मतलब रूट को छोड़ के सारे प्लांट पार्ट्स उनके ऊपर भी कितनी बार क्या होती है वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से प्लांट को किससे प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से मैकेनिकल इंजरी से कि प्लांट को कहीं लगभग ना जाए और इनवेजन बाय पैरासिटिक फंगी कोई फंगस फंगस हो जो प्लांट पे क्या करने वाला हो अटैक करने वाला हो उससे भी कौन बचाएगी ये वैक्सी लेयर प्रोटेक्ट करेगी जो रूट हेयर में एपिडर्मिस होता है या रूट हेयर के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये छोटे -like तो है? तो इंक्रीज करा देते हैं इसलिए हम लोग रूट हेयर को एट टाइम्स क्या बोलते हैं दे आर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल ही क्या हो गए है? हैं और ज्यादा खिंच गए हैं क्यों खिंच गए हैं क्योंकि इनको क्या करना है सरफेस एरिया बढ़ाना है किस चीज के लिए वाटर के के लिए ठीक है अगर आप लीव सरफेस पे बात करोगे तो लीव सरफेस पे आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टोमेटा स्टोमेटा के दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला कौन सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी याद रखना है डायग्राम भी याद रखना है ये जो बाहर दो किडनी है तो वो फूल जाएंगे स्टोमेटल पोर खुल जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में जब वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो ये प्लेसिड हो जाएंगे या पिचअप जाएंगे जिससे स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा

ओल्डर वेन प्लांट्स ग्रो ओल्डर जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो एपिडर्मिस को क्या करते जाता है रिप्लेस करते जाता है जिससे एपिडर्मल सेल्स जो रहते हैं वो अंदर के सेल से कटने लगते हैं कट ऑफ होने लगते हैं और बहुत बहुत सारी लेयर का थिक बना लेते हैं अपने आप में कैसे सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते अपने आप में कैसे सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते कैसे होते हैं बहुत चिपके चिपके भी अरेंज रहते हैं मतलब इनके पास इंटरसेल्यूअर स्पेसेस नहीं होती है ये एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है सुबरिन क्या नाम होता है सुबरिन ये जो सुबरिन रहता है ये इनको इंपरवियस टू गैसेस एंड वाटर बनाता है यानी कि गैस और वॉटर को अंदर जाने नहीं देते कौन कॉक्स सेल्स किसकी वजह से सुबरिन की वजह से इज दैट क्लियर विद दिस योर प्लांट टिश्यू इज ओवर